क्या दोस्तों आप भी अपने घर की सुख शांति और संतान की कमी या धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों 10 सितंबर 2023 को एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कही जाने वाली अजय एकादशी के दिन हल्दी से जुड़े हुए ये 100% सटीक और असरदार उपाय को जरूर करें और आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण तरीके से हो जाएगा कुछ ही दिनों में। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 10 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। दोस्तों इस एकादशी के दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, धनलक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान विष्णु श्री सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप भी भगवान श्री नारायण से और माता लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे मन से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जी हल्दी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान, और साथ ही मात्र यह एक उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दोस्तों आप भी अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और जय श्री नारायण जरूर लिखें और हमारे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों इस बार अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत करने से पेशाब जननी छूट जाती है। इस एकादशी व्रत करने से यज्ञ दान आदि का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है तथा हजार वर्ष स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। जया एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है तथा जाने अनजाने में हुए जो भी पाप है वो सब समाप्त हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिलता है और दोबारा योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता तथा इसे अजय एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों आज हम आपको हल्दी से जुड़े हुए उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे प्रयोग हैं जो आप इस एकादशी के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन मान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है, उसमें देविक गुण मौजूद होते हैं। दोस्तों विवाह में भी हल्दी चढ़ाने का इसलिए महत्व है कि वर वधु को बुरी नजर से बचाया जाए और साथ ही उन्हें सेहत और सुंदरता के लाभ भी मिले। दोस्तों हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है, इससे कई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। दोस्तों घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग नहीं होता और ना ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। नहाते समय अगर पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। दोस्तों नौकरी और व्यवसाय में भी यह सफलता का कारण माना जाता है। दोस्तों हल्दी के प्रयोग से जीवन में सफलता आती है, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को जल में मिले हल्दी के अर्घ देने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में कई सारे प्रकार के सुखों का कारण है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव भगवान की कृपा से ही मिलता है और संतान का सुख भी बृहस्पति देव भगवान की कृपा से ही मिलता है। अगर आपको करियर में ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में आपको बुलंदी चाहिए, वहीं आपको बहुत अधिक धन चाहिए, वहीं धन संचय अपार धन संपदा वह भी बृहस्पति भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है या ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो भी आपको बृहस्पति देव को सुख करना चाहिए। तो आपको हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे छोटे प्रयोग करने से तो हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। तो दोस्तों बृहस्पति जब शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार का सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। या किसी भी प्रकार से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है या किसी ने कुछ कर दिया या ऐसा आपको लगता है या किसी ने कुछ करा दिया है या आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र विद्या करा दी है तो आपका ये हल्दी का एक छोटा सा प्रयोग आपको इन सबसे मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से आप अपनी जीवन की सारी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, चाहे वह संतान सुख हो या वैवाहिक सुख हो या आपके विवाह में देरी हो रही हो या दम से संबंधित कोई भी समस्या हो। दोस्तों सब समस्या का समाधान मात्र एक चुटकी हल्दी है। दोस्तों इस एकादशी के दिन सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और उसमें अपने एक चुटकी हल्दी डाल देनी है और उसको मिला लेना अच्छी तरीके से और अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना उस गंगा
गल्स के पानी से, हल्दी के पानी से आपको छिड़काव कर देना है और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में धन धान के भंडार बढ़ जाएंगे। घर के हर कोने में आपको वो डाल देना है हल्दी का पानी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। आप देखेंगे आपको संतान से संबंधित समस्या, धन से संबंधित समस्या, नौकरी से संबंधित समस्या, व्यापार से संबंधित समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या है वो इसी एक उपाय से मात्र आपके सारी जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। और दोस्तों दूसरा उपाय है, ये उपाय भी आप अगर करते हैं तो आपको धन से संबंध बहुत लाभ मिलेगा। धन माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहेगी, इसलिए इस उपाय को भी जरूर कीजिएगा। एक चुटकी हल्दी जो हमको ले लेनी है उसको अपने घर के हर कोने में थोड़ी थोड़ी डाल देनी है, अपनी उंगली से ही आपको डाल देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको पूरे घर के हर कोने में टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर आप सभी जगह उस हल्दी को डाल दें, एक चुटकी हल्दी को। और आपको माता लक्ष्मी से कामना करनी है पूजा करते समय लक्ष्मी नारायण से कि प्रभु हमारे घर में भी आप आकर विराजमान हो जाइए। और आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी धन दान की कमी नहीं हो जाएगी और आप भी हो जाएंगे मालामाल धनवान। और आप देखेंगे कि आपकी सातों पीढ़ी आपकी बैठकर खाएंगी और आप अच्छे से आपका व्यापार चलने लग जाएगा और आपका रुका हुआ व्यापार भी चलने लग जाएगा। आपकी नौकरी से संबंधित समस्या होगी तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी। आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, साथ ही कॉमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्री लमनी लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।